सो so, स्टार्ट कर रहे हैं अब आपके पास इरिगेशन इंजीनियरिंग का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल्स देखा था इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन देखा था ग्रॉस कमांडेड एरिया देखा था कल्जरेबल कमांड एरिया देखा था नेट सोन एरिया और कैसे आप जो है डिफरेंट डिफरेंट जो मैंने आपको रखा था की अगर आपके पास पीक डिस्चार्ज को कैसे आप डिज़ाइन करोगे रबी सीजन खारिफ सीजन के लिए कैसे आप जो कैनल को डिज़ाइन करोगे तो वही सभी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे अब देखो यहाँ पे जो चीज़ आ जाती है आपके पास सबसे पहले तो मैं आपको वीडियो कंटिन्यू करने से पहले बता दूँ आप साथ में नोटबुक रख लीजिएगा कैलकुलेटर साथ कर लीजिएगा तो आप क्वेश्चन देखो अगर आपको आता है तो वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिए एंड पे टू एक्स करके एंड पे सॉल्यूशन जो है वो देख लीजिएगा कि आपका मैच हो रहा है या नहीं स्टार्ट करते हैं आपके पास देखो इरीगेशन देने के न्यूमेरिकल बहुत ईजी होते हैं जस्ट जो आपके पास लाइन दे गिवन दे रखी है आपके पास उससे हम देखते हैं क्या दे रखा है सबसे पहले क्या बोल रहा था ग्रॉस कमांड एरिया फॉर डिस्ट्रीब्यूटरी तो जो ग्रॉस कमांड एरिया था वो कितना है आपके पास सिक्स थाउजेंड हैक्टर्स है अब बोल बोला एटी परसेंट ऑफ इच इज इरीगेटिबल इरीगेटेड तो so, जिसमें आपके पास एट्टी परसेंट ही इरीगेट किया कर रखा है तो so, सबसे पहले जो ग्रॉस कमांड एरिया का एक्चुअल एरिया जो इरिगेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम कल्चरेबल कमांड एरिया सो वो कितना आपके पास 80 परसेंट so, सो कैसे चेंज करोगे पॉइंट एट इंटू सिक्स थाउजेंड इसी तरह से कर लोगे तो ये आ जाएगा आपके पास फोर्टी एट तो so, 4800 आ गया आपके पास 4800 एट हंड्रेड हैक्टर आ गया आपके पास कल्चरेबल कमांड एरिया अब कल्चरेबल कमांड एरिया से भी हम कुछ ही पोर्शन जो है वो एक इरिगेशन सी सीजन या एनुअली कुछ ही उसमें से इरिगेट करते हैं तो अब उसके रिलेटेड देखते हैं हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी हुई है या नहीं दे रखी है तो अब वो हो रहा है द इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन कलेक्शन कर लेते हैं द इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन फॉर राबी सीजन इज फिफ्टी तो अब यहाँ पे दो सीज़न आ रहे हैं तो यहाँ पे मैं राबी लिख लेता हूँ और यहाँ पे लिख लूंगा मैं आपके पास खारीफ तो यहां पे लिख लेते हैं आपके पास ख़ारिफ सीजन अब बोरा कि जो इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन है राबी के लिए कितना है आपके पास इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन है रॉबी के लिए आपके पास फिफ्टी परसेंट और ख़ारीफ के लिए कितनी है आपके पास ट्वेंटी फाइव परसेंट सो ट्वेंटी फाइव परसेंट अब आपके पास देखो इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन फिफ्टी परसेंट है ट्वेंटी फाइव परसेंट है तो मतलब एक्चुअली कितना एरिया जो है वो इरीगेट हुआ रखा है आपके पास सो फिफ्टी परसेंट ऑफ फोर्टी एट हंड्रेड आ गया आपके पास ट्वेंटी फोर हंड्रेड हेक्टेर और उसी तरह से खारिफ के लिए ट्वेंटी फाइव आ गया तो फिफ्टी का भी हाफ तो मतलब 1200 हेक्टर आ गया आपके पास सो ड्यूटी कितनी दे रखी है आपके पास राबी के लिए सो टू थाउजेंड हेक्टर पर क्यूमैक आ गई आपके पास राबी के लिए और नाइन हंड्रेड हेक्टर क्यूमेक आया आपके पास खारिफ के लिए तो खारिफ के लिए कितनी है ड्यूटी है हमारे पास 900 हंड्रेड हेक्टर पर क्यू मैक अब आपको पूरा फाइंड आउट द डिस्चार्ज रिक्वायर्ड एट द हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी फ्रॉम एवरेज डिमांड कंसिड्रेशन तो आपको डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है सो आपको पता है ड्यूटी किसकी इक्वल्स टू होती है एरिया बाई डिस्चार्ज सो डिस्चार्ज किसकी इक्वल्स टू आ जाएगा एरिया बाई ड्यूटी यही फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास तो हमारे पास दो सीजन है कौन कौन से सीजन हमारे पास गिवन है हमारे पास सबसे पहले राबी सीजन है और हमारे पास खारीफ सीजन है तो राबी सीजन है खारीफ सीजन है अब हमको क्या निकालना है डिस्चार्ज तो मैंने आपको कहा ड्यूटी क्या होता है एरिया बाई डिस्चार्ज तो डिस्चार्ज किसके टू आ जाएगा एरिया बाई ड्यूटी अब एरिया बाई ड्यूटी अब राबी का डिस्चार्ज आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा खारिफ का डिस्चार्ज ये भी आ जाएगा एरिया ऑफ खारिफ टू द ड्यूटी ऑफ खारिफ करॉप और यहां पे आएगा एरिया ऑफ राबी टू द ड्यूटी ऑफ राबी सो मैं लिख लेता हूं आपके पास ये ड्यूटी है किसकी राबी की ये एरिया है किसका राबी का ये एरिया है खरीफ का ड्यूटी है खरीफ की अब आपको एरिया कितना है राबी का एरिया जो है राबी का है आपके पास ट्वेंटी फोर हंड्रेड और ड्यूटी है टू थाउजेंड तो ट्वेंटी फोर हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू थाउजेंड दोबारा चेक कर लेते हैं आपके पास बिल्कुल सो so, सॉल्व कर लीजिए आपके पास कितना आएगा ट्वेंटी फोर हंड्रेड डिवाइडेड बाई ट्वेंटी तो वन पॉइंट टू आ जाएगी आपके पास ये वैल्यू डायरेक्टली ठीक है तो ये आपके पास ऐसे कर ले तो इसका कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास ट्वेंटी फोर बाई ट्वेंटी सिक्स बाई फाइव आ गया तो डिस्चार्ज कितना आ गया राबी का वन पॉइंट टू टू मैक आ गया इसी तरह से हम खारीफ का भी कैलकुलेट कर लेंगे सो तो खारिफ का एरिया कितना है ट्वेल्ल हंड्रेड है आई थिंक डिस्चार्ज नाइन हंड्रेड दे रखा है सॉरी ड्यूटी आपके पास नाइन हंड्रेड दे रखी है ट्वेल्व बाई नाइन आ गया आपके पास तो ट्वेल्व बाई नाइन मतलब थ्री बाई फोर तो थ्री बाई फोर सॉरी फोर बाई थ्री कर लोगे तो आप वन पॉइंट थ्री थ्री आ जाएगा तो फोर बाई थ्री आ गया आपके पास वन पॉइंट थ्री सो आप बोल सकते जो हो जो डिस्चार्ज है खरीफ वो कितना गया वन पॉइंट थ्री थ्री क्यू मैक अब मैंने आपको कहा था कि आप हमेशा डिस्चार्ज किसके लिए करोगे या तो आप ऐसे करोगे कि इरीगेशन कैनाल जो है वो पहले राबी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन कर लोगे वन पॉइंट टू क्यू मैक पे और फिर जब खारिज सीजन आएगा उस पर खारीफ के लिए कर लोगे या हम ऐसा करना पॉसिबल रहेगा नहीं क्यों क्योंकि ऐसे हमें कॉस्ट ज्यादा पड़ जाएगी तो हम कॉस्ट को सेव करने के लिए हम जो इरीगेशन कैनाल है इसको किससे डिजाइन कर लेंगे तो हमारे पास जो इसका सोल्यूशन आएगा वो आ जाएगा वन पॉइंट मैक सो इसके लिए हम क्या करेंगे अपने जो ये कैनाल है इसको डिजाइन कर लेंगे आपके पास ठीक है ये तो आपके पास एवरेज डिजाइन कंसिड्रेशन थी मैंने कहा था अगर आपको पीक निकालना है तो इसी का 20 परसेंट कर लीजिए 120 परसेंट या 125 परसेंट और पीक डिस्चार्ज कब आता है आपके पास कोर पीरियड के लिए आता है तो मैं एज्यूम कर लो आपके पास मैं खारिफ और राबी का मैं कोर पीरियड भी आपको दे देता हूँ ठीक है सो so, मैं आपको राबी और ख़ारीफ का जो है वो कोर पीरियड देता हूँ सो कोर पीरियड आ गया आपके पास ये राबी क्रॉप है यहाँ पे दिस इज अवर राबी एंड दिस इज़ खारीफ राबी की कोई मेन क्रॉप बोल दो सिंपली आप बोलोगे वीट और ख़ारीफ का राइस अब राबी का मैंने आपको कोर पीरियड बता दिया कितना आ गया कोर पीरियड आपके पास फोर वीक्स फोर तो वीक्स आगे डायरेक्टली आपके पास फोर वीक्स और खारीफ का आगे आपके पास कोर पीरियड टू पॉइंट फाइव वीक्स ये क्वेश्चन जो है ये सभी मैं एस के गर्ग बुक से जो है वो आपके पास ये करवा रहा हूँ अगर आप एस के गर्ग बुक को रेफर कर रहे होगे तो आप उसे भी सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली उसके अलावा जाता आपके core depth, core depth है, cm, core depth है आपके पास कोर डेफ्थ राबी के लिए कोर डेफ्थ है थर्टीन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर और खरीफ के लिए कोर डेफ्थ है आपके पास नाइनटीन सेंटीमीटर अब सबसे सब पहले हम इसकी ड्यूटी निकालते हैं सबसे सब पहले हम इनकी क्या निकाल हैं? तो निकालते हैं रिस्पेक्ट टू ड्यूटी निकालते हैं सो ड्यूटी ऑफ रॉबी और यहाँ पे आ जाएगी ड्यूटी ऑफ खरीफ तो ड्यूटी रॉबी की कैसे निकालेंगे एट सिक्स फोर बी बाई डेल्टा आ जाएगा आपके पास सिंपली सो so, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है एट सिक्स फोर बेस पीरियड कितना है इसका ट्वेंटी एट डेज और वीक आ गया ट्वेंटी एट डेज डिवाइड करेंगे आपके पास डेल्टा डेफ्थ कितनी है थर्टीन पॉइंट फाइव तो so, सॉल्व कर लीजिए आपके पास सो so आ जाएगा आपके पास एट सिक्स फोर इन ट्वेंटी एट डिवाइड बाई थर्टीन पॉइंट फाइव सो जो ड्यूटी आ रही है आपके पास राबी क्रॉप की वो आ रही है वन सेवन नाइन टू एक्टर पर क्यू मैक और पहले आपके पास कितनी थी पहले आपके पास कितनी गिवन थी टू गिवन थी ठीक है अब देखो आपके पास खरीफ की कितनी आ जाएगी आपके पास एट सिक्स फोर बी वाई डेल्टा सो एट सिक्स फोर इसका टू पॉइंट फाइव तो टू पॉइंट फाइव को आप ले लो सिंपली है आपके पास ही ले लेते हैं तो सोल्व कर लीजिए इसको इंटू एट सिक्स इंटू सेवनटीन पॉइंट फाइव डिवाइड बाई नाइनटीन सो वैल्यू आ रही है आपके पास सेवन नाइन फाइव पॉइंट सेवन एट सो अप्रोक्सीमेट इसको हम जो है वो सेवन नाइन सिक्स हेक्टर पर क्यूमैक ले लेते हैं आपके ठीक है अब एरिया भी आपके पास गिवन है ड्यूटी भी आ गई आपके पास तो अब हम क्या निकाल लेते हैं इनका रिस्पेक्ट टू डिस्चार्ज निकाल लेते हैं सो सोराबी और यहां पे आपके पास क्या है खारिफ है राबी और खारीफ ग्राफ चल रही है आपके पास सो so, हमको क्या निकालना है डिस्चार्ज निकालना है सो so, सोराबी का एरिया कितना है आपके पास सोराबी का एरिया है आपके पास ट्वेंटी फोर हंड्रेड और इसका है ट्वेल्व हंड्रेड तो यहां पे आ गया ट्वेंटी फोर हंड्रेड इसका आ गया आपके पास ट्वेल्व हंड्रेड ठीक है और इसकी ड्यूटी कितनी आ रखी है वन सेवन नाइन टू वन सेवन नाइन टू और इसकी कितनी आ रखी है आपके पास सेवन नाइन सिक्स सेवन नाइन सिक्स कर लीजिए आपके पास <coughs> तो जो वैल्यू आएगी ट्वेंटी फोर हंड्रेड डिवाइड बाई वन सेवन नाइन टू सो डिस्चार्ज आ रहा है आपके पास रबी का वन पॉइंट टी थ्री क्यूमैक और खारीफ का कितना आ जाएगा आपके पास खारिफ़ का तो ज़्यादा ही आ जाएगा ख़ारीफ में ज्यादा इंडस्ट्री का पानी रिक्वाइर्ड होती है सेवन नाइन सिक्स इन सेवन नाइन सिक्स ये वैल्यू आ रही है आपके पास वन पॉइंट फाइव जीरो सेवन क्यू मैक ठीक है तो ये आ गया आपके पास डिस्चार्ज अब आपके पास ये क्या है रिक्वायर्ड डिस्चार्ज आ गया कब जब आपके पास क्या था कोर पीरियड और कोर डेथ दे रखी थी तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो ये क्या है आपके पास पीक डिस्चार्ज दिस इज आवर वैल्यू ऑफ पीक डिस्चार्ज सो तो ये अब आप लिए डिजाइन करोगे तो नाउ वी हैव टू तो डिजाइन फॉर 1.51 पॉइंट क्यू मैग रख लो इसको डायरेक्टली अप्रोक्सीनेटली ठीक है तो इस तरह से अब आप इसको क्या करोगे डिजाइन कर लोगे सो so, अब देखते हैं आपके पास हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सो आई होप आपको ये प्रॉब्लम जो है वो समझ आ रखी होगी तो so, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है आपको द कल्चरेबल कमांड एरिया फॉर अ वाटर कोर्स इज 1200 हंड्रेड हेक्टर सो वाटर कोर्स आ गया आपके पास कल्चरेबल कमांड एरिया कितना है आपके पास 1200 हंड्रेड हेक्टर है और बोल रहा है इंटेंसिटी ऑफ शुगर कैन एंड वीट क्रॉप सो दो क्रॉप्स हैं आपके पास एक शुगर कैन और वीट क्रॉप की कितनी वो रखी है ट्वेंटी और फोर्टी तो यहाँ पे हम कल्चरेबल कमांड एरिया में यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके पास कितना है ट्वेल्व हंड्रेड हेक्टर है यहाँ पे शुगर आ गया और यहाँ पे आ गया आपके पास वीट सो so, यहाँ पे आ गया आपके पास वीट अब इनकी इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन शुगर कैन की कितनी है ट्वेंटी परसेंट और वीड की इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितना है फोर्टी परसेंट तो एक्चुअल एरिया कितना है इरीगेट हुआ का so, जब शुगर कैन था तो इस टाइम जो एरिया ऑफ लैंड इरीगेट हो रखी है वो आ रखी है टू फोर्टी हेक्टर और जब वीड था तो आपके पास पॉइंट फोर निकाल लोगे इसका कितना आएगा फोर एट्टी हेक्टर इतना आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके बाद बोल जो तो ड्यूटी तो है आपके पास एड ऑफ वाटर कोर्स सेवन थर्टी है तो ड्यूटी है आपके पास कितनी आ गई सेवन थर्टी एक्टर पर क्यू मैक और इसकी ड्यूटी कितनी दे रखी है आपके पास एटीन हंड्रेड एक्टर पर क्यू मैक अब हो रहा है आपको फाइंड द डिस्चार्ज रिक्वाइड एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स सबसे पहले आपको डिस्चार्ज निकालना उसके बाद डिजाइन डिस्चार्ज निकालना आउटलेट एज्यूमिंग टाइम फैक्टर कितना पॉइंट एड बो रखा है तो कोई इशू नहीं है सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें डिस्चार्ज निकालेंगे सो so, डिस्चार्ज कैसे निकलेगा इसका क्यू एस निकल जाएगा टू फोर्टी डिवाइड बाई सेवन थर्टी नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं आपके पास तो डिस्चार्ज ऑफ शुगर कैन आ जाएगा टू फोर्टी डिवाइडेड बाई सेवन थर्टी ठीक है इस तरह से आपके पास आ जाएगा शुगर कैन का और वीड का डिस्चार्ज कैसे आ जाएगा आपके पास सो so, का डिस्चार्ज आ जाएगा आपके पास डिवाइडेड हंड्रेड तो सॉल्व कर लेते हैं आपके पास टू फोर्टी डिवाइड बाई सेवन थर्टी तो अप्रोक्सीमेट तीन गुना है तो जो डिस्चार्ज आ गया शुगर कैन का वो आ गया पॉइंट थ्री टू एट सेवन है तो अप्रोक्सीमेट पॉइंट टू थ्री टू नाइन ले लेता हूँ आपके पास में क्यू मैक ठीक है और वीट का आ जाएगा आपके पास फोर एटी डिड बाईन वैल्यू आ गई आपके पास पॉइंट टू सिक्स अब आप यहां पे किसके लिए डिजाइन करोगे पॉइंट थ्री टू नाइन के लिए या पॉइंट टू सिक्स सिक्स क्यूमैक के लिए अगर आपको याद होगा तो वीट तो आपको पता है राबिक रा शुगर कैन पास पेरीनिन क्रॉप मतलब जो पूरे साल के लिए चलती है तो आप इनका क्या कर लोगे दोनों का डिजाइन रिचार्ज ऐड लोगे तो पॉइंट थ्री टू नाइन प्लस पॉइंट टू सिक्स सिक्स क्योंकि एक टाइम पे तो आपके पास ये चली रही होगी क्रॉप और इतना रिक्वायरमेंट और होगा तो डायरेक्टली हम इनको ऐड कर लेते हैं तो पॉइंट थ्री टू नाइन जो वैल्यू आ रही है अबाउट आपके पास पॉइंट फाइव नाइन फाइव आ रही है तो इसको मैं ले लेता तो, हूँ पॉइंट फाइव नाइन की जगह मैं पॉइंट सिक्स क्यू मैक ले लेता हूँ आपके पास ठीक है तो so, ये तो आ गया आपके पास जो डिस्चार्ज रिक्वायर्ड है अब आपको सेकंड पार्ट का ये आ गया फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन सेकंड पार्ट आपको वो रखा है डिजाइन डिस्चार्ज तो डिजाइन डिस्चार्ज आ जाएगा आपके पास डिजाइन डिस्चार्ज आ जाएगा आपके पास पॉइंट सिक्स डिवाइड बाई पॉइंट एट कर लीजिए सिंपली पॉइंट सिक्स डिवाइड बाई पॉइंट एट सो पॉइंट एट ही दे रखा है तो जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी पॉइंट सेवन फाइव क्यू मैक का आ जाएगी आपके पास डिजाइन डिस्चार्ज पॉइंट सेवन फाइव क्यू मैक आ गया इसका डिजाइन डिस्चार्ज आ गया अब पॉइंट एट का क्या मतलब है टाइम फैक्टर मतलब आपने अगर हंड्रेड डेज के लिए अपनी इरीगेशन कैनाल को डिजाइन कर रखा कि इसमें ये फ्लो करेगी और पानी एक्चुअल में कितने दिन के लिए फ्लो हुआ है एट्टी डेज के लिए इसलिए आपके पास डिजाइन डिस्चार्ज कितना आ रखा है एट्टी आ रखा हुआ है तो so, इस तरह से ये क्वेश्चन जो था सॉल्व होना था ठीक है तो अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर ले सकते हैं तो आप साथ साथ में आप भी सॉल्व कीजिएगा आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी सो क्वेश्चन है 3.4 अब बोल है आपके पास द कल्चरबल कमांड एरिया सॉरी बोल रहा है द कल्चरबल कमांड एरिया फॉर ए डिस्ट्रीब्यूटरी इज 15000 हेक्टेयर तो CCA कितना है आपके पास 15000 हेक्टर है उसके बाद बोल रहा है आपको इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन रबी क्र랍 के लिए कितनी है और ख़ारीफ क्र랍 भी आपको गिवन है सो so रबी के लिए बोल रहा है आपके पास 40% है और खारीफ के लिए आपके पास फिफ्टीन परसेंट है और उसके बाद अगर फिफ्टीन परसेंट है ये तो पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं आपके पास तो एरिया कितना आ जाएगा फोर्टी परसेंट मतलब टेन परसेंट तो आ गया वन 6000 फिफ्टीन हंड्रेड सिक्स थाउजेंड हेक्टर यहाँ पे आ गया एरिया तो अब फिफ्टीन आ जाएगा फिफ्टीन आ जाएगा टू टू फाइव जीरो आ जाएगा आई थिंक फिफ्टीन परसेंट निकाल लीजिए आप ऑफ फिफ्टीन तो टू टू फाइव जीरो आ गया बिल्कुल तो टू टू फाइव जीरो आ गया एरिया जो

दे, सबसे पहले आपको आउटलेट डिस्चार्ज निकालना है एवरेज डिमांड कंसिड्रेशन मतलब जो आएगा सबसे पहले हम ड्यूटी निकाल लेते हैं आपके पास ड्यूटी ऑफ राबी कितना आ जाएगा बी बी ऑफ ऑफ राबी राबी डेल्टा उसी तरह से जो ड्यूटी आ जाएगी आपके पास खारीफ की वो कितनी आ जाएगी एट सिक्स फोर डेस्ट पीरियड ऑफ खारीफ टू द दरिफ तो एट सिक्स फोर सो वैल्यू हम जो है यहीं से पुट कर लेते हैं एट सिक्स फोर बे स्पीड कितना आपके पास वन सिक्सटी दे रखा था बिल्कुल वन सिक्सटी था और थर्टी सेवन पॉइंट फाइव था और यहाँ पे कितना था एट सिक्स फोर बे स्पीड वन फोर्टी डेज था और वन ट्वेंटी था शायद से बिल्कुल हाँ वन ट्वेंटी तो अब ड्यूटी जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं एट सिक्स फोर मल्टीप्लाई बाईज वन सिक्सटी डिवाइडेड बाई थर्टी सेवन पॉइंट फाइव सो ड्यूटी जो आ जाएगी आपके पास यहाँ पे ड्यूटी आ जाएगी राबिक राब की मेरे पास ड्यूटी आ रही है थ्री सिक्स 3686.4 आ गया आपके पास किसकी राबी की और इसी तरह से मैं आपके पास खारिफ की भी कैलकुलेट कर लेता हूँ 0.4 हेक्टर पर क्यूमैक और खारिफ की कैलकुलेट कर लेते हैं 864 सिक्स फोर इंटू वन डिवाइडेड बाई वन सो जो वैल्यू आ गई आपके पास खारिफ की ड्यूटी की तो दिस वन इज 1008 हेक्टर पर आप डिस्चार्ज निकाल सकते हो आप डिस्चार्ज कैसे निकल जाएगा आपके पास डिस्चार्ज निकल जाएगा आपके पास राबी का कितना आ जाएगा आपके पास एरिया कितना है सिक्स थाउजेंड डिवाइड बाई थ्री सिक्स एट सिक्स पॉइंट फोर और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कितना था टू टू फाइव जीरो था टू टू फाइव जीरो डिवाइड बाई वन जीरो जीरो एट तो सबसे पहले कर लेते हैं टू टू फाइव जीरो डिवाइड बाई वन जीरो जीरो एट सो ये डिस्चार्ज आ गया आपके पास टू पॉइंट टू थ्री टू क्यू मैक और ये डिस्चार्ज कितना आ रहा है सिक्स थाउजेंड डिवाइड बाई थ्री सिक्स एट सिक्स पॉइंट फोर सो ये वैल्यू आ रही है आपके पास वन पॉइंट सिक्स टू सेवन क्यूमैक तो अब आप इसको डिजाइन किसके लिए करोगे टू पॉइंट थ्री टू के लिए करोगे सिंपली कर है इतना तो आपको समझ आ गया सो so, डिजाइन हम कर लेंगे आपके पास टू पॉइंट टू थ्री थ्री टू लिख लो सी थ्री हम क्या कर लेंगे इस क्यू मैक के लिए तो हम सबसे पहले डिजाइन कर लेंगे अब आपको सेकंड पार्ट क्या बोल रखा है आल्सो डिटरमाइन द पीक डिमांड डिस्चार्ज बोरा कोर वाटर फॉर दोनों के लिए कोर वाटर नहीं दे रखी है आपके पास तो कोई इशू नहीं है हम दोबारा से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ड्यूटी कितनी आएगी कर लेंगे हम सो so, यहां पे हम राबी लिख रहे थे और यहाँ पे हम खारीफ लिख रहे थे तो डाटा लिख लेते हैं सबसे पहले आपके पास एरिया कितना है इसका इसका एरिया है आई थिंक फोर्टी एट हंड्रेड था ना सॉरी थाउजेंड 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 हेक्टर इसका एरिया था टू टू फाइव जीरो हेक्टर ये खारिफ है ये राबी है उसके बाद आपको सेकेंड टर्म जो गिवन है वो क्या दे रखी है आपके पास थर्टीन पॉइंट फाइव और नाइनटीन तो मतलब जो डेल्टा दे रखा है वो दे रखा है आपको थर्टीन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर और जो डेल्टा यहां का दे रखा है वो दे रखा है नाइनटीन सेंटीमीटर ठीक है उसके बाद दे रखा है फोर वीक और टू वीक सो फोर वीक्स एंड टू वीक सो बेस स्पीड दे रखा है फोर वीक्स और यहां का बेस स्पीड दे रखा है आपके पास टू वीक्स सो यहां पे हम ड्यूटी निकाल देते हैं सो वी कैलकुलेट ड्यूटी हियर कैसे कैलकुलेट करेंगे ड्यूटी सिंपली एट सिक्स फोर बी बाई डी तो बी कितना है आपके पास सेवन इंटू फोर ट्वेंटी एट तो इंटू ट्वेंटी एट बाई थर्टीन पॉइंट फाइव सो यहाँ का क्या आ जाएगा आपके पास एट सिक्स फोर बेस फील कितना आएगा सेवनटी सेवन इंटू टू फोर्टीन डिवाइड बाई नाइनटीन आ गया आपके पास तो so, सॉल्व कर लीजिए आपके पास कितना आ रहा है एट सिक्स फोर इंटू ट्वेंटी एट बाई थर्टीन पॉइंट फाइव जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे ड्यूटी की वो आ रही है वन सेवन नाइन टू एक्टर पर क्यूमैक और यहां पे आ रही है आपके पास वैल्यू 864 सिक्स फोर इंटू फोर्टीन डिवाइडेड बाई नाइनटीन सो वैल्यू आ रही है आपके पास 636 636.63 एक्टर पर क्यू मैक अब आपको पीक डिस्चार्ज निकालना है तो डायरेक्टली एरिया बाई ड्यूटी कर लीजिए आप तो एरिया कितना है आपके पास राबी का सो क्यू ऑफ राबी 6000 थाउजेंड डिवाइडेड बाई वन सेवन नाइन टू वन सेवन नाइन टू और खरीफ का कितना आएगा टू टू फाइव जीरो सोल्व कर लीजिए आपके पास सिक्स थाउजेंड डिवाइड बाई वन सेवन नाइन टू सो जो वैल्यू आ रही है आपके पास, 63. पास? So, पास पी डिस्चार्ज कितना है आपके पास थ्री पॉइंट थ्री फोर एट क्यूमैक और यहां पे खरीफ के लिए कितना आ रहा है आपके पास टू टू फाइव जीरो डिवाइडेड बाई सिक्स थ्री सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री सो ये वैल्यू आ रही है आपके पास थ्री पॉइंट फाइव थ्री फोर क्यू मैक तो अब इसमें से बड़ी वैल्यू किसकी आ रही है थ्री पॉइंट फाइव थ्री फोर क्यू मैक आ रहा है सो थ्री पॉइंट फाइव थ्री फोर क्यू मैक सो यही आ जाएगा आपके पास इसका डिजाइन डिस्चार्ज सो अब आप किस लिए डिजाइन कर लोगे थ्री पॉइंट फाइव थ्री फोर क्यू मैक इज योर करेक्ट आंसर ठीक है अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई कर लेते हैं आपके पास इसके बाद दो क्वेश्चन और रह रहे हैं तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं आपके पास उसको so, देखेंगे अगर टाइम बच जाएगा तो इस वीडियो में कर लेंगे वरना सेकंड लेक्चर में कर लेंगे अब क्या बोल रहा है एट अ सर्टेन प्लेस इन इंडिया द ट्रांसपेरेशन ऑफ आर राइस टेक सिक्सटीन डेज तो मतलब बेस स्पीड कितना दे रखा है राइस का डायरेक्टली सिक्सटीन डेज दे रखा है ये बहुत इजी क्वेश्चन है आपके पास देखो इसमें कंसेप्ट बहुत यूज होंगे टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर क्रॉप इज सिक्सटी डेज तो मतलब डेल्टा आर कितना है सिक्सटी सेंटीमीटर इन फील्ड फील्ड पे ड्यूरिंग दिस ट्रांसपोरेशन पीरियड ऑफ 16 days, 16 डेज डेज का है रेन स्टार्ट फॉलिंग एट अबाउट 10 सेंटीमीटर सो रेनफॉल कितनी हो गई आपके पास 10 सेंटीमीटर हो गई अगर आपके पास टोटल रिक्वायरमेंट 60 है जिसमें आपको 10 सेंटीमीटर तो वाटर किसने प्रोवाइड कर दिया आपके पास 10 सेंटीमीटर हमें रेनफॉल ने प्रोवाइड कर दिया तो हमें टोटल पानी कितना देना पड़ेगा तो so, आप बोल सकते हो डेल्टा इफेक्टिव कितना आ गया फिफ्टी सेंटीमीटर फाइन द ड्यूटी ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड फॉ द राइस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन सबसे पहले आपको ड्यूटी निकाली है सो ड्यूटी किस क्या होती है आपके पास फॉमूला एट सिक्स फोर बी बाई डेल्टा अभी कौन सा आएगा इफेक्टिव वाला जाएगा सो एट सिक्स फोर बेस पीड कितना है आपके पास सिक्सटीन डेज डिवाइडेड बाई सिक्सटी कर लीजिए आप सॉरी फिफ्टी कर लेंगे क्या कर लेंगे फिफ्टी कर लेंगे तो वैल्यू इज एट सिक्स फोर इन टू सिक्सटीन डिवाइडेड बाई फिफ्टी तो जो वैल्यू आ रही है आपके पास ड्यूटी की वो कितनी आ रही है टू सेवन सिक्स पॉइंट फोर एट हेक्टेर पर क्यूमैक्स सो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट ये आ गया हमारे पास ए पार्ट अब सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है एज्यूमिंग अच्छा पहले तो जनरली यही था अब फर्स्ट पार्ट बोल रहा है एज्यूमिंग ट्वेंटी फाइव परसेंट लॉस ऑफ वाटर इन वाटर कोर्स फाइंड द ड्यूटी एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स अब हेड ऑफ वाटर कोर्स से निकालनी है सो so, आपको पता है फील्ड पे सबसे ज्यादा ड्यूटी होगी उससे कम वाटर कोर्स पे होगी फिर उसके बाद माइनस ब्रांच केनाल मेन कैनाल पर आ जाएगी तो अब आपके पास अगर ट्वेंटी फाइव परसेंट लॉसेज है अगर यहां पर लिख लेता तो लेते मैं अगर लॉसेस आपके पास ट्वेंटी फाइव परसेंट है तो एफिशियंसी कितनी हो जाएगी आपके पास सेवेंटी फाइव परसेंट यही हो जाएगा ना तो अब मुझे ड्यूटी निकालना है कहां पर एट ट्वेंटी फाइव वाटर कोर्स पे निकालनी है सो ड्यूटी एट वाटर कोर्स लिख रहा हूं सीधे तो क्या कर लूंगा पॉइंट सेवन फाइव इंटू टू सेवन सिक्स पॉइंट फोर एट तो इसको पॉइंट सेवन के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास वैल्यू आ रही है मेरे पास तो कितनी वैल्यू आ गई पॉइंट सेवन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 276.48 सेवन मल्टीप्लाई बाई पॉइंट तो जो वैल्यू आ रही है मेरे पास वो आ रही है 207 हंड्रेड सेवन टू हेक्टर पर क्यू मैसे ही आ गया फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट हो रहा है फाइंड द ड्यूटी ऑफ वाटर एट द हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी अब डिस्ट्रीब्यूटरी पर निकालना है एज अस फिफ्टी परसेंट लॉसिज फ्राम डिस्ट्रीब्यूटरी हेड टू द वाटर कोर्स तो फिफ्टीन परसेंट अगर आपके पास और लॉसिस हुए तो एफिशेंसी कितनी आ जाएगी एट्टी फाइव परसेंट तो बी का आ गया डिस्ट्रीब्यूटरी पर पूछ रखी है सिंपली आप पॉइंट एट फाइव कर लोगे टू जीरो सेवन पॉइंट थ्री सिक्स मल्टीप्लाई बाई पॉइंट एट फाइव सो so, जो सॉल्यूशन आ रहा है वो किनारा आपके पास वन सेवनटी सिक्स पॉइंट थ्री हेक्टर पर क्यूमैकोरेट वैल्यू चाहिए होगी तो वन सेवनटी सिक्स पॉइंट टू फाइव सिक्स हेक्टर पर क्यू मैक आपके पास ये वैल्यू आ रही है सो so, इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन जो था ये क्या होना था आपके पास सिंपली सॉल्व होना था इजी क्वेश्चन था बस आपको घुमा के पूछ रखा था यहाँ पे आपको वो आइडिया होना चाहिए कि जो फील्ड पे है आपके पास हेड ऑफ फील्ड वहां पे आपके पास क्या होता है ड्यूटी ज्यादा होती है ठीक है सो वो आपको बता रखा था इसलिए आपको कोई इशू नहीं होगा अब आपके पास ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास तो इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे आपके पास टेबल बना के सॉल्व करने की ट्राई करेंगे आपके पास ठीक है ठीक है इस तरह से आपके पास यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के मैं दो तीन मैथड बता दूंगा आपको जो आपको अच्छा लगेगा आप उसे सॉल्व कर सकते हो सबसे पहले कि आप वो रखा है आपके पास ए मैन कनाल विच ऑफर फ्रॉम ए टूडेज रिजर्वर टू इरीगेट क्रॉप्स इन सर्टन कंट्री हैविंग थ्री सीजन वो रखे हैं आप डाटा फॉर द इिगेटेड क्रॉप जो आपके पास गिवन है ठीक है शुगर कैन आ गया हॉट वाटर का आ गया राबी आ गया मॉनसून हॉट सीजन आ गया तो इन तीन का एक आ जाएगा फिर शुगर कैन और ज्वार आ जाएगा फिर बाजर, बाजरा बाजरा होगा गया आपके पास ठीक है बाजरा हो जाएगा आपके ठीक है सो so, सबसे पहले मैं आपके पास क्या निकालता हूँ एरिया भी है ड्यूटी भी है क्या निकाल लेते हैं आपके पास ये हेक्टेयर आ गया ये हेक्टेयर पर यूमे आ गया सो so, सबसे पहले मैं डिस्चार्ज निकाल लेता हूँ सो so, डिस्चार्ज किस में आ जाएगा आपके पास मैक में आएगा सो फर्स्टली वी कैलकुलेट डिस्चार्ज तो हम क्या निकाल लेते हैं डिस्चार्ज तो so, कैसे निकल जाएगा आपके पास डिस्चार्ज डिस्चार्ज निकल कर आएगा आपके पास थ्री वन फाइव डिवाइड बाई सिक्स थर्टी सो वैल्यू आ रही है डिस्चार्ज की पॉइंट फाइव ठीक है सबसे पहले हम डिस्चार्ज निकाल रहे हैं उसके बाद कर लेंगे हम सेवेंटी डिवाइड बाई सिक्स थर्टी सो वैल्यू आ रही है पॉइंट वन वन फिर कर लेंगे अड़तालीस सौ डिवाइड बाई सोलह सो सो so, थ्री आ गए वैल्यू फिर कर लेंगे आप छप्पन सो डिवाइड बाई अट्ठाईस सो वैल्यू टू आ गई आपके पास फिर थर्टी फाइव थ्री फिफ्टी डिवाइडेड बाई सेवन हंड्रेड तो वैल्यू कितनी आ गई पॉइंट फाइव आ गया सो तो यह आ गया आपके पास डिस्चार्ज सबसे पहले आपको डिस्चार्ज निकालना है और टाइम फैक्टर लेना है आपके पास पॉइंट सेवन तो आपको डिजाइन डिस्चार्ज निकालना है अब देखो इसमें आपके पास मैक्सिमम आप किसके लिए डिजाइन करोगे शुगर वाला तो आपके पास हमेशा रहेगा सो शुगर कैन प्लस किसका आ जाएगा आपके पास हॉट वेदर में जो आपके पास ओवरलैप कर रहा है और वेजिटेबल सो हॉट वेदर वाला सो क्यू ऑफ हॉट वेदर प्लस आपके पास क्या लिखा है हॉट सीजन हॉट सीजन तो शुगर कैन का पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव पॉइंट वन वन तो ये वैल्यू आ गई पॉइंट फाइव प्लस है आपके पास बिल्कुल तो इनको सॉल्व कर लेते प्लस वन तो कितना आ गया आपके पास ये तो वैल्यू आ गई पॉइंट फाइव प्लस पॉइंट फाइव आ गया वन सो वन पॉइंट वन वन आ गया सो वन पॉइंट वन वन क्यू मैक आ गया आपके पास एक डिस्चार्ज आ गया ठीक है उसके बाद आप शुगर कैन का तो कॉन्स्टेंट रहेगा शुगर कैन का तो कॉन्स्टेंट आ जाएगा प्लस राबी का निकाल लेते हो तो क्यू ऑफ राबी तो राबी का कितना आ गया, आ गया आपके पास सो so, राबी का आ गया थ्री प्लस पॉइंट फाइव सो पॉइंट फाइव प्लस थ्री तो वैल्यू आ गई थ्री पॉइंट फाइव क्यू मैक ठीक है इतना आ गया आपके पास उसके बाद मॉनसून का निकाल लेते हैं आपके पास ये आ जाएगा टू और टू पॉइंट फाइव आ गया सिंपली तो डिस्चार्ज ऑफ शुगर कैन प्लस डिस्चार्ज ऑफ मॉनसून सो तो ये तो आपके पास पॉइंट फाइव है और ये वैल्यू आ गई टू तो टू पॉइंट फाइव आ गया सो तो इसमें से आप कौन से डिजाइन डिस्चार्ज के लिए कौन से डिस्चार्ज के लिए डिजाइन करोगे मैक्सिमम वाले के लिए और आपको क्या पूछ रखा है डिजाइन डिस्चार्ज सो आप क्या बोलोगे कि डिस्चार्ज आपके पास कितना है डिस्चार्ज है आपके पास थ्री पॉइंट फाइव क्यू मैक और आपको क्या निकालना है डिजाइन डिस्चार्ज निकालना है तो डिज़ाइन डिस्चार्ज कैसे निकालोगे आप डिज़ाइन डिस्चार्ज डिजाइन डिस्चार्ज निकालोगे आपको टाइम फैक्टर की वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखी टाइम फैक्टर की वैल्यू पॉइंट सेवन तो थ्री पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई पॉइंट सेवन कर लीजिए तो थ्री पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई पॉइंट सेवन कर लीजिएगा तो आपके पास जो डिजाइन डिस्चार्ज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास सिंपली फाइव क्यू मैक आ गया तो डिज़ाइन डिस्चार्ज आ गया हमारे पास फाइव क्यू मैक डिस्चार्ज आ गया हमारे पास फाइव ट्यू मैग अब डिजाइन डिस्चार्ज आ गया आपके पास इसके लिए आप क्या करोगे डिजाइन करोगे अब यहां पे आपको सेकंड क्वेश्चन में बोल रखा है आपको क्या निकालना है सेकंड क्वेश्चन में बोला है आपको ग्रॉस स्टोरेज ऑफ रेजरवायर निकालनी है एज्यूम सुटेबल फैक्टर जो आपको निकालने होंगे सुटेबल फैक्टर वो देख लेंगे आपके पास कौन कौन से होते हैं आपके पास सो so, अब देखो यहां पे आपके पास दो मैथड है आपने डिस्चार्ज कैलकुलेट कर लिया आपको बेस पीरियड भी पता है ठीक है डिस्चार्ज कैलकुलेट कर दिया बेस बेसपीड भी पता है आपके पास तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो ठीक है डिस्चार्ज पता है बेस स्पीड निकाल सकते हो आप टोटल वाटर रिक्वायरमेंट बता सकते हो कितनी आ जाएगी तो यहां पे एक टेबल मैं उसके लिए बना देता हूँ आपके पास यहाँ पे एक टेबल उसके लिए बना देता हूँ मैं आप बोल सकते हो डायरेक्टली टोटल वाटर रिक्वायरमेंट तो कैसे कर लोगे आप डिस्चार्ज इनटू बेस स्पीड क्योंकि आपको पता क्या है कि जो डिस्चार्ज होता है वो किसकी क्वाल होता है वॉल्यूम बाय टाइम अब आपको वॉल्यूम निकालने तो डिस्चार्ज इन टाइम हो जाएगा सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी वॉल्यूम क्यूब में आ जाएगा ठीक है थीके? तो क्या कर डेज एक, so, तो, एक दिन में कितने होते हैं एट सिक्स फोर डबल जीरो तो होते हैं ठीक है थीके? उस तरह से आप कैलकुलेट कर दीजिए तो so, पहले मैं आपको उस तरह से बता देता हूँ बाद में दूसरा मैथड बता दूंगा तो पॉइंट फाइव इंटू टू एट्टी इंटू एट सिक्स फोर डबल जीरो और डिवाइड कर लीजिए टेन रेज टू तो पावर सिक्स क्युं? मिलियन मीटर क्यूब में करना है सो so, ये वैल्यू आ जाएगी ट्वेल्व पॉइंट जीरो हंड्रेड इंटू एट सिक्स फोर डबल जीरो डिवाइड बाई टेन रेज टू पावर सिक्स तो कितना आ गया आपके पास पॉइंट फाइव नाइन फाइव जीरो फोर पॉइंट नाइन फाइव जीरो फोर ठीक है उसके बाद आ जाएगा आपके पास थ्री इंटू वन ट्वेंटी इंटू एट सिक्स फोर डबल ज़ीरो डिवाइड बाई टेन रेज टू पावर सिक्स सो वैल्यू आ गई आपके पास थर्टी वन पॉइंट वन ज़ीरो फोर उसके बाद टू इंटू वन ट्वेंटी इंटू एट सिक्स फोर डबल ज़ीरो डिवाइड बाई टेन रेज टू पावर सिक्स क्योंकि मिलीमीटर क्यूब में ला रहे हो ना तो ट्वेंटी पॉइंट सेवन थ्री सिक्स आ गया उसके बाद नेक्स्ट में यहीं पे आपके पास इसका भी कैलकुलेट कर लेते हैं तो पॉइंट फाइव इंटू बे स्पीड कितना है वन ट्वेंटी इंटू एट सिक्स फोर डबल ज़ीरो डिवाइड बाई टेन रेज टू पावर सिक्स सो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास फाइव पॉइंट वन एट फोर तो ये आपके पास टोटल वाटर रिक्वायरमेंट आ जाएगी so सो कर कीजिए फाइव पॉइंट वन एट फोर ट्वेंटी पॉइंट सेवन थ्री सिक्स प्लस थर्टी वन पॉइंट वन जीरो फोर प्लस जीरो पॉइंट नाइन फाइव ज़ीरो फोर प्लस ट्वेल्व पॉइंट जीरो नाइन सिक्स सो वैल्यू आ रही है आपके पास सेवनटी पॉइंट सेवनटी पॉइंट जीरो सेवन जीरो फोर सेवनटी पॉइंट जीरो सेवन फाइव मिलियन मीट्रिक क्यूब में आपके पास ये ले लेता हूँ आपके पास वैल्यू ठीक है तो रिक्वायर्ड आपके पास इतनी है आपके पास जो आपको फील्ड पे पहुंचेगी आपके पास ठीक है अब फील्ड पे तो इतनी पहुंचेगी कुछ आपके पास लॉसेस भी तो होंगे अब लॉसेस को मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ आपके पास ठीक है अब इसमें बेसिक इतना तो आ गया आपके पास इन्होंने बोला कि एज्यूम सूटेबल लॉसेस ठीक है इनने वो रखा कि जो सूटेबल लॉसेस हैं आप उनको एज्यूम कर लेते हो ठीक है तो हम टेन परसेंट जो है वो रन ऑफ लॉसेज कैलकुलेट कर लेते हैं टेन परसेंट क्या आपके पास रन ऑफ लॉसेज हम एज्यूम कर लेते हैं ठीक है उसके बाद इसमें आप फाइव परसेंट जो होता है वो आप इसमें ओवर स्टोरेज लॉसेज भी कंसिडर कर सकते हो सो फाइव परसेंट हम इसमें कैलकुलेट कंसिडर कर लेते हैं ओवर स्टोरेज लॉसेस ठीक है फाइव परसेंट आता है आपके पास ओवर स्टोरेज लॉसेज और टेन परसेंट so, आता है आपके पास डेड स्टोरेज सो आता है डेड 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 स्टोरेज 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 लॉसिस और ये किस पे आता है आपके पास ग्रॉस पे आता है बट ये ये किसका आता है ऑफ टेन परसेंट क्या डेड स्टोरेज लॉस कितना क्या टेन परसेंट ऑफ ग्रॉस स्टोरेज लॉसेज मतलब सबसे पहले हम सेवेंटी पॉइंट फिफ्टीन परसेंट निकाल लेते हैं सेवनटीन पॉइंट जीरो सेवन फाइव का निकाल दीजिए आप फिफ्टीन परसेंट तो कितना आ गया आपके पास टेन पॉइंट फाइव के अबाउट आ गया सो so, दोनों को सम कर लीजिए आपके पास तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास तो so, टोटल जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड है आपके पास वो कितनी आ गई आपके पास कितनी आ रखी है टोटल वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड दैट इज सेवनटी पॉइंट जीरो सेवन फाइव मिलियन मीट्रिक क्यूब अब इसमें टेन परसेंट रन ऑफ लॉसेस प्लस फाइव परसेंट डेड ओवर स्टोरेज लॉसेस आगे तो कैलकुलेट कर दीजिए टोटल आगे टेन पॉइंट वन फाइव तो मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख लेता हूं सेवनटी पॉइंट जीरो सेवन फाइव तो सॉल्व कर लीजिएगा आपके पास टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी एट्टी पॉइंट फाइव एट सिक्स टू फाइव मिलियन मीट्रिक क्यूब आ गया ठीक है अब ये तो आ गया आपके पास ग्रॉस स्टोरेज अब आपको मैंने क्या कहा था आपने टेन परसेंट जो वैल्यू माननी है वो किसकी माननी? माननी है तो डेड लॉसेज आ गया आपके पास डेड लॉस कितना आ गया आपके पास पॉइंट वन ऑफ सिंपली पॉइंट वन लिख लीजिए ऑफ एट्टी पॉइंट फाइव नाइन ले लीजिए इसको प्लस एट्टी पॉइंट फाइव नाइन आ जाएगा इसी में इसका पॉइंट वन निकाल लीजिए आप डायरेक्ट वैल्यू सो so जो वैल्यू आ रही है आपके पास दैट इज अबाउट एटी एट पॉइंट इतनी आ जाएगी आपके पास ये लॉसेस आ रहे हैं इतने तो इसमें कैलकुलेट कर दीजिएगा आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास वो लॉसेस की वैल्यू आ जाएगी सो so, ठीक है तो इस तरह से आपके पास ये सॉल्व हो जाएगा ठीक है अगर आप उनको नहीं भी आप एज्यूम करना चाहते हैं हम इतना ही रख लेते हैं आपके पास एटी पॉइंट तो कहने दीजिए आपके पास ये जो गैस स्टोरेज लॉसेज इसको हम एज्यूम ही नहीं करते हैं ठीक है इतना ही रख लीजिए आपके पास अगर दे देगा क्वेश्चन में तो आप सॉल्व कर लीजिएगा अदरवाइज आप इतना ही रख लीजिए कोई इशू नहीं है आपके पास अब ये तो मैंने आपको एक मैथड बताया आपके पास वॉल्यूम निकालने का अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम निकालने का एक और मैथड बन सकता है आपके पास आप बोलोगे कैसे मैथड बनेगा तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या निकाल देता हूँ आपके पास ड्यूटी निकाल देता हूँ क्योंकि मुझे ये भी पता है एरिया इन टू ड्यूटी क्या आ जाएगी आपके पास वॉल्यूम आ जाएगी बिल्कुल आ जाएगी अब ड्यूटी कैसे निकालोगे आप एट सिक्स फोर बी बाई डी क्योंकि आपके पास बेस फिट भी दे रखा है ड्यूटी भी दे रखा है तो आप सिंपली यहाँ पे मतलब क्या निकाल रहे हो डेल्टा निकाल दोगे डेल्टा निकाल दोगे तो डेल्टा से भी आपके पास ये वैल्यू आ जाएंगे तो वो आप चेक कर सकते हो खुद भी जो है वो डेल्टा वाला मैथड लेके आप खुद ट्राई कर दीजिएगा तो मैंने आपको डिस्चार्ज वाले से बता दिया आपके पास ठीक है सो so, इस वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंट डिफरेंट मोमैरिकल देखे तो आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम कैनल डिजाइन स्टार्ट कर लेंगे तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो अच्छी लगी तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा ठीक है थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप लर्निंग बाय